हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट इफेक्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाऊंगा दो ऐसे एफिलिएट का प्रोमो कोड जिसमें आपको मिलेगा 210 रुपीज़ पर अकाउंट पे। अगर आपके पास एक अकाउंट है उसका अनलिमिटेड ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि आपको कैसे एक अकाउंट से 10 अकाउंट तक या आपके पास जितना भी पेटीएम अकाउंट है आप उस पेटीएम अकाउंट में आप आपका अनलिमिटेड टाइम मनी कमा सकते हो। मतलब एक अकाउंट है तो आपको मिलेगा 210 रुपीज़, 10 अकाउंट है तो आपको 2100 रुपया मिलता रहेगा। तो इसलिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा स्टेप आप कुछ बताऊंगा मैं आपको, उस स्टेप को आपको सिंपली फॉलो करना है। तो इस स्टेप अगर फॉलो किया तो आपको टोटल आप जितना अमाउंट चाहिए तो उतना अमाउंट आप ले सकते हो, मिनिमम आप 210 रुपीज़ करके। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जैसे मालूम है पेटीएम अकाउंट ओपन कर लीजिए। पेटीएम अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एकदम ऊपर में सेक्शन में दिखाई देगा पे वन एंड गेट 10 रुपीज़ बैक। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस सेक्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ही आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें से बहुत सारे डील्स एंड डील्स फॉर यू दिखाई देगा। इसमें से कोई भी एक डील्स को आप चूज कर लीजिए। मान लीजिए शॉपर शॉप को, सेंट्रल को और लाइफस्टाइल, कोई भी एक जितना भी है आपका मर्जी के हिसाब से एक चूज कर लीजिए। मैंने जैसे शॉपर शॉप को चूज कर लिया। चूज करने के बाद आपको ऐसा एक प्रोमो कोड आएगा जिसका नाम है मैजिक। इस प्रोमो कोड का क्या है, अगर आप 1 रुपीज़ से प्रोमो कोड को परचेज किया तो आपको मिलेगा 10 रुपीज़ इंस्टेंट कैशबैक, नो 48 आवर्स का वेटिंग। तो आपको सिंपल सा मैजिक प्रोमो कोड को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद बाय फॉर 1 रुपीज में क्लिक कर देना है। जब भी बाय फॉर 1 रुपये क्लिक करोगे आपका जो भी पेमेंट मेथड आपको सही लगता है वही पेमेंट मेथड से आप इसको यूज कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, जो भी आपका है वह पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। तो जब भी आपका पेमेंट कॉन्फर्म हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा एक 10 रुपीज़ का कैशबैक जो मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि मेरा पेटीएम वॉलेट में अभी 10 रुपीज़ आ गया और नीचे की तरफ देखोगे तो आपको दिखाई देगा कैशबैक ऑफ 10 रुपीज़। तो कैशबैक कहाँ से आया आप देख लीजिए, कैशबैक फॉर ऑर्डर आईडी प्रोमो कोड मैजिक। तो मैजिक प्रोमो कोड में लगाया इसीलिए मेरे को 10 रुपीज़ का कैशबैक मिल गया। तो ऐसे आपका जितना भी पेटीएम अकाउंट है तो इसको आप लूटते रहिए। 10% 10% 20% पेटीएम अकाउंट सब में ऑफर लागू है तो आप इसको लूट लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस पर जो अमेजिंग चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा वो है जिंगई और पल के तरफ से। तो जिंगई में अभी जो पेपल लाइव ऑन जिंगई अप टू 50% इंस्टेंट कैशबैक। तो आपको इस जिंगई की तरफ से पहले भी ऑफर आ चुका था, अभी भी दे दिया जिंगई में 50% कैशबैक। तो इसमें से आपको क्या करना है, अगर आप पहले से भी कोई भी अकाउंट यूज किया है तो आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। आप पहले आपका अकाउंट में साइन अप कर लीजिए। तो जब भी साइन अप कर लोगे तो साइन अप करने के बाद आपका मेल एड्रेस, साइन अप होने के बाद आपको मेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपका मेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए जिसमें आपको नीचे में तरफ दिखाई देगा कि योर ईमेल आईडी कॉन्फर्मेशन अवेटेड। तो आपको पेंडिंग में दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। जब भी आप आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये अकाउंट एक्टिवेट। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आने के बाद आपको कोई भी गिफ्ट कार्ड परचेज करना है जैसे पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ, पेटीएम का गिफ्ट कार्ड ख़त्म हो गया, अमेजोन का गिफ्ट कार्ड ख़त्म हो गया। ये स्टॉक में एवरीडे आता है 5 बजे से 3 बजे को 7 बजे को ये स्टॉक में आता है। अभी देख सकते हो अभी 0 पेटीएम की गिफ्ट कार्ड है। तो आपको इसीलिए क्या करना है, सिंपल सा आपको जिंगोई का गिफ्ट कार्ड परचेज कर लेना है। तो जैसे जिंगोई का गिफ्ट कार्ड परचेज करोगे आप देख सकते हो एकदम फर्स्ट में जिंगोई का गिफ्ट कार्ड है। तो इसमें से आपको 400 का गिफ्ट कार्ड परचेज करना है। जैसे आप देख लीजिए जिंगोई में 5500, 250, 100, 400 और 1000 ऐसे करके 200। तो आपको सिंपल सा 400 का एक जिंगोई कार्ड परचेज कर लेना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, ऐड में क्लिक कर दोगे। तो जब भी ऐड में क्लिक करोगे आपका कार्ड सेक्शन में आपको चले जाना है। तो कार्ड सेक्शन में जाने के बाद इसको प्रोसीड टू पे में मार देना है। अभी जो बताऊंगा वो आप सिंपली फॉलो कीजिए। तो इसमें कंटिन्यू में मार दिया, कंटिन्यू में मारने के बाद पे नाउ 400 इसमें क्लिक कर दिया। तो क्लिक हो गया, अभी आपको पे नाउ हो जाने के बाद ही आपको आ जाएगा ऑप्शन जिसमें से पेमेंट मेथड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई नीचे की तरफ सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हो 50% कैशबैक अप टू 200 मिनिमम ऑर्डर ऑफ 50 ऑन पेपल। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो अभी तक आपको मैं जो बताऊंगा वो है कि पेपल अकाउंट, अगर अभी तक पेपल अकाउंट आप नहीं बनाया तो आप सिंपल से स्टेप फॉलो करके पेपल अकाउंट बना के उसमें आप आपका कार्ड ऐड कर लीजिए। पेपल अकाउंट ऐसे बना लीजिए
और बनाने के बाद ऐसे आप आपका कार्ड डिटेल्स जो भी वीसा कार्ड आप डाल दीजिए। अगर आपके पास वीसा कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पेजैप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो या आप पॉकेट्स ऐप का भी इस्तेमाल करके आप वीसा कार्ड लगा सकते हो। तो सिंपली आप ऐसे कार्ड नंबर को ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप आपका इधर सिंपल सा स्टेप आके लॉग इन कर लीजिए। तो जैसे मैं लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जब भी आप आपका पेपल अकाउंट को सिंपली साइन इन कर लोगे, आपको इधर आपका कार्ड नंबर डिटेल ऐड करने के बाद आपको पैसा पे करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको वॉलेट में मिनिमम 400 होना चाहिए, तो आप सिंपली कंटिन्यू बटन में क्लिक कर दोगे। सो फ्रेंड्स, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, पेमेंट डन, प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो अभी क्या करना है आपको, सिंपल सा और एक बार 200 का गिफ्ट कार्ड परचेज करना है। सो फ्रेंड्स, सिमिलर प्रोसेस में आप आपका जिंगा गिफ्ट कार्ड में आ जाइए और ऐसे 200 का गिफ्ट कार्ड को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप आपका सेम प्रोसीड्योर में जाके आपको पेपल सिलेक्ट कर लेना है। तो पेपल सिलेक्ट करके आप फिर से पेपल सिलेक्ट कर लिया मैं और पे नाउ 200 में मार दिया। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे को 50% कैशबैक आया है, तो मैं 50% कैशबैक के साथ इस पेमेंट को कंप्लीट कर रहा हूँ। यू विल सेव 200 ऑन दिस ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्योंकि मेरे को इसमें ऑलरेडी 200 का कैशबैक मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू बटन में क्लिक करके और एक प्रोमो कोड को आप परचेज कर सकते हो। पेटीएम, फ्लिपकार्ट या अमेजोन का गिफ्ट कार्ड आएगा, आप उसमें से इस ऑर्डर को सिंपली कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी मैं ट्रिक्स जो बताऊंगा वो है कि आपको क्या करना है, न्यू एक पेपाल अकाउंट बनाना है और न्यू पेटीएम अकाउंट बनाना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो पुराना पेटीएम अकाउंट था, आप अच्छे से सुन लीजिए, जो पुराना पेपल अकाउंट था उसमें से जो कार्ड आप लिंक किया था उस कार्ड को रिमूव कर दीजिए। सेम प्रोसीड्योर में दूसरा जो अकाउंट बनाओगे उस अकाउंट में आप आपका न्यू कार्ड ऐड कर लीजिए। जो पहले यूज किया था जो कार्ड, वही सेम कार्ड आप दूसरा बार इसमें ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ही आप सेम एक पेटीएम एक जिंगो अकाउंट ओपन कर लीजिए और एक पेपल अकाउंट ओपन कर लीजिए। जिंगो अकाउंट ओपन करने के बाद ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लीजिए। ऐसे करके आप जितना मर्जी 10-15 जितना भी है आप अभी परचेज करके रख लीजिए। जब भी पेटीएम का ऑफ़र एक्टिवेट हो जाएगा तो तब भी आप इस पेटीएम का और फ्लिपकार्ट का, अमेजन का गिफ्ट कार्ड परचेज कर लीजिए। तो ऐसे करके आप जितना आपका मर्जी है उतना आप अमाउंट कमा सकते हो। तो ये ऑफ़र काफ़ी बढ़िया डील्स है जो आपके लिए मैं एक्सक्लूसिवली लेकर आ चुका हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा जर्नी में था इसीलिए अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसीलिए सॉरी। बहुत सारा ऑफ़र, तो आज से मैं बहुत सारा ऑफ़र आपके लिए अमेजन फ्लिपकार्ट सबका ऑफ़र डालता रहूँगा। तो मेरे चैनल में जाकर नया है तो सब्सक्राइब करके रहिए, और सब्सक्राइब किया तो बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना।